हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू थर्ड वीडियो लेक्चर्स ऑफ टपल्स। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैड आल्सो टॉट अबाउट सम टॉपिक्स रिलेटेड टू टपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस टॉपिक्स वी हैड डिस्कस इन प्रीवियस क्लास। तो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर्स वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट introductions of tuples and creating and accessing tuples and how to create, and in creating a tuples we discuss about types of tuples: empty tuples, single element tuples, long tuples and nested tuples, and also discuss about creating tuples from existing sequences. And students, some more topics we had also discussed about accessing tuples. In accessing tuples, we saw about the same similarity with a list and some functions. Accessing individual elements, how to access individual elements, and the difference from the list. What is the difference from the list traversing a tuples, and how it works. Through a for loops. So friends, so today I will discuss about tuple operations. In these operations, we will see about how to work the tuples in operations. So let's start this videos, third videos of tuples chapters. So friends, today is the first topic of tuple operations. What is the tuple operations? The most common operations that you perform with a tuple include joining tuples and slicing tuples. In this section, we are going to talk about the same as a joining tuples. Students, so joining tuples, two tuples is a very easy, just like your perform additions. Okay students, means जो joining tuples होता है just like addition types ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, दो tuples list लेते हैं और उन दोनों क्या करते हैं, as addition करते हैं। जो इसके operators का जो इसमें use किया जाता है, the plus operators, the concatenation operators when used with two tuples, join two tuples, means इसके लिए हम plus operator का use करते हैं जो कि as a concatenating का work करता है और आपकी two tuples list को क्या करता है, join कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि कैसे हम कंकैटनेशन का यूज करते हैं मेंबरशिप और सॉरी आपके कंकैटनेशन एंड रिप्लिकेशन में। मैंने बताया था आपको सेम यहां पर भी यूज हो रहा है आपका कि कैसे हम कंकैटनेशन का यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मल्टीपल ऑफ टपल्स लिस्ट को हम प्लस साइन के थ्रू हम एड कर सकते हैं, एक सिंगल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल्स यू विल सी हियर, आप देख रहे हो यहाँ पर कि टपल वन एक लिस्ट ली गई है जिसमें कि आपके एलिमेंट थ्री एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किए गए 1, 3, 5 एंड सेम इस तरह आपके सेकंड लिस्ट आपकी टपल लिस्ट ली गई है जिसमें मेंशन किया गया 6, 7, 8 एंड फिर क्या किया गया, एक मेथड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जिसमें कि आपको कंकैटनेशन किया गया है जिसमें टपल वन एंड टपल टू को कंकैटनेट किया गया है थ्रू प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप यहाँ पे प्लस साइन का यूज करोगे और इंटर करोगे आप, तो आपको ये रिजल्ट क्या देगा, एक सिंगल लिस्ट आपको टपल्स की क्रिएट करके देगा। इस तरह आपके नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे थ्री टपल लिस्ट ली गई है और तीनों में क्या किया गया, एडिशन किया गया और एक न्यू लिस्ट करके उसमें क्रिएट करके वहां पर क्या किया गया, उसको स्टोर करा दिया गया है टीपीएल में। और ये टीपीएल वन, टीपीएल टू, टीपीएल थ्री, मीन टपल वन, टपल टू, टपल थ्री, एक लिस्ट ली गई थ्री टाइप्स की और टपल्स में क्या किया गया, उसको टपल बना दिया गया, एक सिंगल लिस्ट क्रिएट कर दिया गया। स्टूडेंट, इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक टपल लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि अगर हम कोई भी टपल लिस्ट में, अगर हम एक टपल लिस्ट ना दे करके हम उसमें एक नंबर दे दें या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू उसके साथ एक लिस्ट रहे और एक नंबर हम दे दें अलग से, मतलब लिस्ट ना होकर वो केवल नंबर रहे, वो क्या शो करेगा, एरर शो कर देगा एज इट इज। जैसे कि आप देख सकते हो कि टपल प्लस नंबर, अगर हम टपल लिस्ट दे रहे हैं और प्लस एक नंबर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे टू दे दिया, तो क्या इसको ऐड कर देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये क्या करेगा आपको एरर शो कर देगा। सेम इस तरीके से जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है टपल वन में, ठीक है, टपल वन में थ्री एलिमेंट्स आपके मेंशन है टपल लिस्ट में और इसमें एक नंबर ऐड कर रहा है प्लस को, टू को, तो ये क्या करेगा आपको एरर शो कर देगा। क्या एरर शो करेगा आपको, कि जो भी नंबर्स ये एज अ
can only concatenate tuples, not an integer number को ये accept नहीं करता है, सिर्फ ये concatenate means tuples list को ये क्या करता है, accept करता है, ठीक है। इसे अगर आप string types की अगर आप कोई value देते हो किसी भी tuples के साथ concatenate करने के लिए, तो भी ये क्या करेगा, आपको error show करेगा। Okay students, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Okay students, ठीक है। अगर आप कोई भी अगर आप जाओ तो ब्रैकेट लगा कर भी अगर आप कोई भी नंबर दोगे तो भी वो क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है ना। यू नीड कंकेटनेट टू टपल्स विद अनदर टपल्स कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, तो मींस अगर आप कोई भी ओनली एंड वन एलिमेंट का यूज करो एज अ टपल्स अगर आप सोच रहे हो, बट मैंने बताया था आपको टपल्स में अगर आप कोई भी टपल लिस्ट क्रिएट करते हो तो थ्री के बाद कॉमा लगाना मस्ट होता है आपको, ठीक है। तो अगर आप एज अ ये क्या करता है, इंटीजर नंबर को लेगा और ये क्या करेगा, एज अ लिस्ट में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने उसके साथ टपल लिस्ट एज अ थ्री नंबर के बाद आपने कॉमा लगा दिया तो एज अ वो टपल क्रिएट हो जाएगा और तब वो क्या करेगा, उसे कंकेटनेट कर देगा। जैसा कि आप एग्जांपल में आप देख सकते हो, नेक्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने क्या किया, एज अ टपल लिस्ट यहाँ पे मेंशन है आपका और उसमें क्या किया, एज अ टपल लिस्ट क्रिएट किया एज अ नंबर फॉर्म में और फिर उस लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया, तो आपको क्या हो गया, ये ज्वाइन हो गया आपका। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ज्वाइन करता है, ठीक है। एंड फिर रिप्लीकेशन का अगर हम देखते हैं तो रिप्लीट कैसे करता है, आपको मैंने बताया था रिप्लीट मतलब क्या होता है कि अगर हम जितने टाइम्स पर्टिकुलर लिस्ट को अगर हम रिपीट करना चाहते तो उसके एलिमेंट को उतने टाइम्स वो क्या करेगा, उस लिस्ट में जो भी एलिमेंट होंगे उनके उतने टाइम्स वो रिपीट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एज अ टपल वन एज अ लिस्ट में टपल वन लिस्ट में 1 3 5 एलिमेंट था, इसको थ्री टाइम्स क्या किया, इनटू उसका साइन लगाया रिप्लीकेशन में एंड थ्री मेंशन कर दिया नंबर को, तो जो टपल वन जो भी लिस्ट नंबर होंगे एलिमेंट होंगे उसको थ्री टाइम्स को प्रिंट करेगा 1 3 5 1 3 5 1 3 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेशंस, वो भी थ्रू रिप्लिकेशन एंड कंकेटनेशन ऑपरेटर्स का यूज करके कैसे हम ज्वाइन करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है स्लाइसिंग द टपल्स। स्टूडेंट जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था प्रीवियस क्लास में कैसे हम स्लाइस पार्ट फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर किसी टपल्स की, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि स्टूडेंट्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, लाइक अगर उसके जैसा इंडेक्सिंग नंबर्स के थ्रू हम क्या करते हैं पार्टिकुलर फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर आकर लिखा हो स्लाइसिंग द टपल्स में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यू ऑल्सो सी अबाउट द व्हाट इज द राइट हियर, अ टपल स्लाइसेस लाइक लिस्ट स्लाइसेस और स्ट्रिंग स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ द टपल एक्सट्रैक्टेड आउट, यू कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ अ टपल एलिमेंट टू क्रिएट टपल स्लाइसेस एज फॉर द फॉलोइंग फॉर्मेट। मीन्स अगर हम टपल स्लाइसेस की पार्ट्स अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई भी टपल स्लाइसेस फाइंड आउट हो जाए, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर टपल्स के इंडेक्सेस को यूज करना पड़ता है, उस एलिमेंट के इंडेक्स नंबर को हमें यूज करना पड़ता है। और उस इंडेक्स नंबर को हम कैसे यूज करेंगे, आपकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग दी गई है कि पर्टिकुलर क्या करेंगे, उस पर जिस भी लिस्ट का नाम है या फिर जिस भी वेरिएबल में पर्टिकुलर लिस्ट का कि अगर हम कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है ना। एज यू नो अबाउट कि हाउ कैसे हम टपल लिस्ट क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टपल लिस्ट एंड वी कैन यूज एनी वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग अ टपल लिस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लिस्ट को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल्स को लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्टॉप बताते हैं और एक और क्या होता है थर्ड आपका, एज अ आपको क्या करता है सिक्वेंस बताता है उस फॉर्म को, एज अ स्टेप्स आप कितना फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो उसके थ्रू अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम स्टोर कराएंगे किसी अनदर वेरिएबल से, मैंने आपको बताया था कि जो टपल लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल फॉर्मेट में होती है, मीन्स ठीक है नॉन इम्यूटेबल फॉर्म में होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी चेंजेस करते हैं या फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम अनदर वेरिएबल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में कि कैसे किया हुआ है, एज अ टपल में एज अ एक टपल लिस्ट क्रिएट की गई है लिस्ट को और उसमें क्या किया, अनदर वेरिएबल का यूज करके इस टपल में उसके इंडेक्शन नंबर दे दिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक नंबर्स के जो भी एलिमेंट हो वो क्या करे आपको फाइंड आउट करके वो शो कर दे। तो इसने क्या किया, 3 से -3 तक का ले लिया, ठीक है। अब -3 कहाँ से आएगा, आप खुद ही काउंट आउट कर सकते हो, यहाँ से 0 1 2 3 3 20 पे स्टार्ट हो रहा है, -3 कहाँ तक आएगा, -1 -2 -3 यहाँ तक आएगा स्टूडेंट्स, मतलब 30 तक का, 20 से लेकर 30 तक के बीच में जो भी नंबर्स हमारे होंगे वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ जब 3 से स्टार्ट होती है यहाँ 20 को भी एक्सेप्ट करेगा, फिर 22 को, 24 को एंड लास्ट जो -3 स्टूडेंट मिस इंडेक्स नंबर पे ये 30 था, इसको ये क्या करता है, ड्रॉप कर देता है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको प्रीवियस क्लास में कि ये क्या करता है, जो भी लास्ट रेंज होती है उसको लास्ट वाले नंबर को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, उसको जस्ट पहले वाले नंबर तक वो लेकर आपको लिस्ट वो प्रिंट करके तो कर देगा। इस तरह से हम स्लाइसेस पार्ट पर्टिकुलर किसी भी टपल लिस्ट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, फिर अगर हम देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर अगर हम स्टेप्स के थ्रू आप करना चाहते हो तो इसे कई सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट्स, इसके अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं एज अ स्टेप फॉर्म की, ये कितने कितने स्टेप पे आपको वो प्रिंट करके शो करे,
तो आपको सीक्वेंस यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, मतलब फॉलो करना पड़ेगा इस फॉर्मेट को, कि आप उसमें सेम प्रोसेस होता है जो कि थर्ड कॉलम लगा करके आप स्टेप मेंशन कर दोगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था स्टूडेंट। तो चलते हैं हम प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, जितने भी मैंने फंक्शन वर्क किया है एज अ, पहले हमारा था ज्वाइनिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टपल लिस्ट क्रिएट करेंगे। सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल्स में एक टपल लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर 1, 2, 3 एंड फिर सेकेंड नंबर पे हम ले रहे हैं, सेकेंड टपल वेरिएबल ले रहे हैं बी एंड टपल लिस्ट हम क्रिएट कर दे रहे हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर ले रहे हैं 5, 6, 7, 8 ये मैंने मेंशन किया। अब इन लोगों को क्या करेंगे, हमें ज्वाइन करना है, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी, प्लस साइन का यूज करेंगे और जैसे ही हमने इसने कंकेटनेट किया और इंटर करेंगे तो आप देखोगे ये क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा आपका। इंटर करेंगे हम तो ये आप देखोगे ये क्या होगी, एक सिंगल टपल लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई, इस तरह से हम ज्वाइन करते स्टूडेंट। ओके, अब अगर हम इसी किसी भी टपल नंबर का अगर हम कोई नंबर्स अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, नंबर्स ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें हमेशा जब भी हम कंकेटनेशन कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा आपकी टपल लिस्ट ही कंकेटनेट होगी दूसरी टपल लिस्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं, कैसे कंकेटनेट करते हैं। अब लिप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए सपोज हम ए जो भी हमारी लिस्ट है उसको हम रिपीट करना चाहते हैं तो इनटू का साइन लगाएंगे और जितने टाइम्स आपको रिपीट करना है उतने टाइम्स अगर आप सपोज दे, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि हम 4 times हम रिपीट करना चाहते हो, जैसे ही हम इंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देखोगे ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये 4 times आपका रिपीट होगा 1, 2, 3। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिप्लिकेशन कैसे हम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो भी हमारी स्लाइसिंग पार्ट था उस पर हम वर्क कर दी, कैसे हम पर्टिकुलर किसी लिस्ट की स्लाइसिस पार्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम एक पहले न्यू लिस्ट लेंगे, वो भी लॉन्ग टाइप में, मान लीजिए टीयूपी मैंने लिस्ट ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, इसके पार्ट में मेंशन किया एज अ एलिमेंट फॉर्म में कोई भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सपोज 1 से लेकर 10 तक के हम नंबर ले रहे हैं। ये नंबर दे दिया स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें कुछ पार्ट हम स्लाइस पार्ट हम मेंशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो भी पार्ट लेंगे उसको हम किसी अनदर वेरिएबल का यूज करेंगे, एस नंबर मिलेंगे इक्वल टू, अब हमें उसके पार्ट को बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का नेम बताएंगे जिसकी लिस्ट का हमें पार्ट सर्च करना है। तो टीयूपी लिस्ट है हमारा, उस वेरिएबल का नेम बता दिया, टीयूपी टपल्स लिस्ट में हमारा स्टोर है एंड इसके पार्ट को बताने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एज अ इंडेक्स नंबर हम शो करेंगे जिसके भी हमें स्लाइसिंग जहां से लेकर स्क्वायर तक हमें स्लाइसिंग पार्ट चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन हियर इंडेक्स नंबर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है उसके इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पे बताएंगे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ इसको स्टार्ट करते हैं 2 से और फिर एंडिंग पॉइंट हम देते हैं इसका, सपोज मान लीजिए हम दे रहे हैं इसे 9 पर। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो जब 0 से स्टार्ट होता है तो 9 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा आपका, और 2 से स्टार्ट करा 2 कहाँ से होगा, 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा, तो आपकी जो पार्ट आएगा स्टूडेंट मैंने बताया था जो लास्ट वाला इंडेक्स नंबर होता है उसको नहीं लेता है, उसके जस्ट पहले वाला तक स्टॉप हो जाता है और वहां तक के पार्ट को वो क्या करता है, शो करता है। तो चलिए हम देखते हैं, इंटर करते हैं और फिर एस में जो वैल्यू गई है उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। इंटर करेंगे हम, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 3 से उसने स्टार्ट किया और 9 तक उसने क्या किया, प्रिंट किया उस टपल लिस्ट के पार्ट को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आप माइनस में अगर आप कोई पॉइंट आउट करना चाहते हो माइनस में, तो मैं सपोज मान लीजिए एक टपल लिस्ट लिया मैंने यहाँ पर और आपने क्या किया -7 से आपने स्टार्ट किया एंड फिर आपने कहाँ तक दिया -2 तक आपने क्या किया, इसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो चलते हैं देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है और लिस्ट कौन सी आती है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो -7 कहाँ पर आएगा स्टूडेंट, अगर आप रिवर्स फॉर्म में करोगे आप -1 से जो -7 आएगा आपका 4 तक आएगा और वो 4 से स्टार्ट करेगा, एंडिंग पॉइंट क्या है -2, तो -9 तक आएगा जो कि मैंने कहा था आपको लास्ट इंडेक्स नंबर को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, उसके जो भी एलिमेंट होते हैं उसको वो प्रिंट नहीं करता है, तो इसलिए कहां तक प्रिंट करेगा 4 से लेकर के 8 तक के नंबर्स एलिमेंट्स के पार्ट्स को आपके टपल स्लाइसेस को वो प्रिंट करके शो कर देगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं हम
नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कि स्टेप्स के थ्रू अगर हमें फाइंड आउट करना है, जो थर्ड पॉइंट स्लाइस पार्ट का वो है थ्रो स्टेप्स, कि अगर हमें पॉइंट दिया इसे और स्टेप बता दिया। स्टूडेंट एक और चीज में सपोज मान लीजिए क्या कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया और आपने एंडिंग पॉइंट बता दिया, जो आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो हमेशा स्टार्ट कहां से करेगा, वो जीरो नंबर से वो स्टार्ट करेगा, जो इंडेक्स नंबर होता है वहां से जीरो से वो स्टार्ट करेगा, और जहां तक आपने एंडिंग दोगे जस्ट इसके पहले वाले एलिमेंट तक वो क्या करेगा, ओवर कर देगा। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर यूपी लिया मैंने और यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग का नहीं बताया और एंडिंग पॉइंट मैंने बता दिया, ये इंड हो जाए आपका जाकर के -3 पर जाकर के, या क्या हो इंड हो जाए। अब इंटर इसे अगर हम करते हैं तो देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि एंडिंग 3 पे हो रहा है -3, तो -1, -2, -3 8 पर एंडिंग हो रही है, और तो जब मैंने कहा जहां पर एंडिंग होती है उसके जस्ट पहले ही वो ओवर कर देता वहां तक प्रिंट करके, और स्टार्टिंग पॉइंट जब मैंने नहीं बताया तो कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक उसने क्या किया, प्रिंट करके शो कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका देखते हैं हम स्टेप्स को कि कैसे हम फॉलो करेंगे, इसके स्टेप्स के थ्रू कैसे हम स्लाइस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे एज अ स्टेप्स को, जो कि ड्रॉप करता है ये 1 by 1 स्टेप्स को लेता है, अगर अपने अकॉर्डिंग जितने भी स्टेप्स हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, टीपी जो हमारी लिस्ट थी उस लिस्ट में एज अ हम क्या करेंगे, इसके हम स्टेप्स को बताएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताना है आप क्या करो, एंडिंग पॉइंट बता दो। आप मान लीजिए दे दिया आपने क्या -1 दे दिया और इसके स्टेप्स को आपने बता दिया कि कितने स्टेप्स ये ड्रॉप करें। मान लीजिए आपने कहा 3-3 स्टेप पर ये चले, तो 3-3 ये स्टेप फॉलो करेगा, 3-3 मतलब कि काउंट करेगा कहां से स्टार्ट से चलेगा, और 3-3 स्टेप मतलब कि 1-2-3 मींस कहां गया ये आपका 3 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर 9 प्रिंट करेगा, मतलब 3-6-9 आपका आएगा। ओके यार चलते हैं एंटर करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 3 क्या आपका, सॉरी आपका 1 से स्टार्ट कर रहा है ना, 1 से स्टार्ट करेगा आपका, और फिर जो थर्ड वाला स्टेप होगा उसके बाद 2-2 को ड्रॉप करके जो थर्ड स्टेप होगा उसको प्रिंट करेगा। हम तो भूल गए थे कि आपको स्टार्टिंग नंबर आपने नहीं दिया, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेगा 1 से स्टार्ट किया, फिर 4 पे आएगा, 4 से फिर 7 पे आएगा, 7 से जो है लास्ट नंबर गया था हमारे साथ उसके लिए इसको ड्रॉप कर देगा, 7 तक आपको ये प्रिंट करके ये शो करेगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। ओके अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट स्टूडेंट दे दिया, जहां से भी आपने स्टार्टिंग पॉइंट बताया तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेगा वहां से, और उसके बाद वो एक्सेस करेगा उस स्टेप्स को फॉलो करेगा। ओके फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, परफॉर्म्स उसको ऑपरेशन, उसको हम देखते हैं कौन सा ऑपरेशन ये फॉलो करता है। ये हो गया स्टूडेंट्स, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कंपेयरिंग टपल्स। स्टूडेंट्स अगर हमें कंपेयर करना होता है तो देखिए यहाँ पर क्या यूज किया था, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया था कंपेयर करने के लिए। इसके भी परफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम किसी कंपेयर करने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं जिसे हम। तो चलते हैं देखते हैं कंपेयरिंग टपल्स होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यू कैन कंपेयर टू टपल्स विदाउट हैविंग टू राइट कोड विथ स्ट्रिंग विथ लूप्स फॉर इट। फॉर कंपेयरिंग टू टपल्स यू कैन यूजिंग कंपेरिजन ऑपरेटर्स greater than smaller than double equals and not equals etc. For comparison purpose python internally compares individual element of two tuples applying all the comparison rules that you have read earlier. Means compare करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें tuples का use करना पड़ता है। students आपको जितने भी tuples का use करना है as a compare करना है, as a मानी suppose two tuples का हमें use करना है तो हम क्या, हमें चाहिए two tuples compare करने के लिए, और उसके कोड को हम विदाउट कोड वो क्या करता है, रन नहीं करता है। ठीक है ना, अगर हमें लूप के थ्रू लर्न कराना है तो उसके लिए क्या करता है, वो लूप चलाना पड़ता है हमें। ठीक है, तब वो कंपेयर कर सकता है। अगर हमें लूप के थ्रू कराना हो चाहे जिससे भी कराना हो आप करवा सकते हो, सिंपल भी करा सकते हो एंड लूप के थ्रू भी करा सकते हो। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए हमें टू टपल्स को हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। कंपेयर ऑपरेटर्स जिसे हम कहते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन डबल इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स जिसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पैथन में ही था आपका, जो कि प्रीवियस क्लास में आपका था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं हम, फॉर कंपैरिजन पर्पस, जिसका कि काम क्या होता है कि टू पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स होते हैं जो टू टपल्स के, उनको कंपेयर करना। अगर वो कंपेयर करने पे वो इक्वल होते हैं या फिर जो जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपको
प्रिंट कर देता है, ठीक है, उसके एलिमेंट को देखेगा कि एलिमेंट जो दोनों में क्या है, इक्वल है, ठीक है, वो नंबर्स नहीं एलिमेंट नंबर देखता है और उसको देख करके वो क्या करता है, प्रिंट कर देता है कि वो कैसा है आपका, ठीक है, किस टाइप का है, अगर डेटा टाइप भी सेम है तो भी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, हर एक चीज देखता है जैसा भी आपका रहेगा, ठीक है ना, वो एलिमेंट को नहीं देखता कि ये आपके कौन कौन से एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं है, आपने इंटीजर टाइप का लिया कौन सा लिया उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो उसको शो करता है, ओके तो चलते हैं आप एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो आप स्क्रीन पर, स्टूडेंट यू कैन सी यर्स इन दिस स्क्रीन सम एग्जांपल ऑफ अ कंपैरिजन ऑफ टपल्स, आप देखोगे यहाँ पर कि ए वेरिएबल्स में टू और थ्री एलिमेंट्स का टपल्स लिया गया हुआ है, बी में क्या किया गया टू और थ्री एलिमेंट्स का टपल्स लिया गया हुआ है, अब जब इसका कंपैरिजन कर रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ, इक्वल साइन, डबल इक्वल का साइन करते हैं हमेशा कंपेयर करने के लिए, सिंगल ऑपरेटर का यूज हम करते हैं किसी भी वेरिएबल वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए, बट हम डबल का यूज करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं टू मीन्स किसी भी चीज को नंबर्स को आपस में या कोई भी लिस्ट को कंपेयर करते हैं, तो टू डबल इक्वल का यूज करते हैं ऐसा, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन शो करता है, ठीक है, तो ए और बी क्या दोनों एलिमेंट सेम है आपके इंटीजर टाइप में है, ठीक है, तो आपके दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टू टू हैं, तो ये क्या आपके ट्रू है, इसलिए जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारा टू ट्रू के फॉर्म में आएगा, ठीक, इसी तरह यहाँ पर आएगा अगर हम सी को लेते हैं और ए के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए जो सी में जो वेरिएबल टपल्स लिस्ट है वो क्या है स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये नंबर तो है बट ये क्या है स्ट्रिंग फॉर्म में आपका स्टोर है, क्योंकि इसमें डबल कोट्स लग गया है हर एक में, तो ये एज अ डेटा टाइप क्या हो गया आपका स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया, और अगर हम किसी इंटीजर के साथ कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग को तो क्या ये आपका इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा इक्वल, तो इसलिए क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा आपका, ओके फिर अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम देखते हैं इसमें हम दोनों मानी जिसने नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया हुआ कंपेयर कर रहा है कि जो ए और बी है तो कह रहा है कि ए जो है ग्रेटर है वो बी से, तो कैसे ग्रेटर हो जाएगा भाई, आपका तो इसमें भी टू एलिमेंट यूज हो रहा है इसमें भी टू एलिमेंट यूज हो रहा है, तो दोनों तो एलिमेंट की जो लेंथ है वो इक्वल है हमारी, तो कैसे ग्रेटर हो जाएगा आपका, तो दोनों इक्वल होंगे ना, इसलिए क्या है कंडीशन आपकी फॉल्स है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स डी, डी का कंपेयर कर रहा है वो ए के साथ, बट अगर आप डी में देख रहे हो यहाँ पर ये क्या फ्लोट नंबर का यूज कर रहा है और ए में क्या यूज कर रहा है आपका इंटीजर नंबर का यूज कर रहा है, तो क्या दोनों सेम हो सकते हैं डेटा टाइप, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपका डेटा टाइप डिफरेंट है और तो ये क्या होगा आपका ना, तो ये पहली बात तो ये तो ग्रेटर भी नहीं है और ना ही स्मॉल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, वैसे इंटीजर और फ्लोट से मतलब नहीं होता है आपका, ठीक है, नंबर्स होने चाहिए पर्टिकुलर यहाँ पे, क्योंकि है उसमें एलिमेंट कितने उसकी लेंथ की मतलब होनी चाहिए, ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर वो भी ऑटोमेटिक क्या होता है फ्लोट अगर आपने दिया तो वो ऑटोमेटिक पॉइंट जीरो लेता है, इंटीजर भी अगर रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है ऑटोमेटिक जीरो पॉइंट ले ही लेता है वो, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कंपेयर नंबर का नहीं होगा, क्योंकि दोनों लिस्ट क्या होगी सेम होगी, 2.0 ले चाहे 3.0 ले चाहे 2 ले चाहे 3 ले, ठीक है, तो दोनों लिस्ट सेम होगी यहाँ पर, बट यहाँ पर हम जो हमारा रिलेशन शो कर रहा है वो कह रहा है ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ से भाई इसका, ये तो आपका इक्वल है ना, क्योंकि दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं और दोनों सेम है, यहाँ पे दो एलिमेंट भी हैं और दोनों सेम भी हैं एज अ टपल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर इक्वल का साइन यूज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे इसका यूज किया जा रहा है, कैसे यह ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा इसी में ही है ऑपरेशन नेक्स्ट हमारा जो आपका है अनपैकिंग टपल्स, अनपैकिंग टपल्स मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि एज अ मिक्स टपल जिसे हम कहते हैं, तो देखते हैं क्या यहाँ पर, क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड अ पैकिंग एंड इट्स रिवर्स, मीन्स कहने मतलब कि एज अ जो भी हमारे सेट होता है एज अ टपल्स लिस्ट की उसे हम बोलते हैं पैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जब हम कोई भी टपल लिस्ट या कोई भी लिस्ट वैल्यूज के सेट को अगर हम क्रिएट करते हैं एज अ लिस्ट फॉर्म में टपल फॉर्म लिस्ट में उसे हम बोलते हैं पैकिंग एंड इट्स रिवर्स, और इसका रिवर्स भी क्या होता है वो भी पैकिंग फॉर्म में होता है, तो क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड अनपैकिंग, अगर हम उसे रिवर्स फॉर्म में करते हैं तो वो क्या होता है हमारा अनपैकिंग फॉर्म में होता है, ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं पहले हम पैकिंग फॉर्म देखते हैं इसका, फिर अनपैकिंग फॉर्म इसका देखते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स द लेफ्ट साइड असाइनमेंट, ये क्या आपका है पैकिंग फॉर्म में है, और ये क्या है आपका द लेंथ ऑफ द अबव टपल्स इज 4 एज देयर आर 4 एलिमेंट्स इन इट इज अनपैक, क्योंकि ये क्या है आपका अनपैक फॉर्म में, मींस कि आपका टपल लिस्ट ये क्रिएट
नहीं वर्ड, मतलब इसने जो हम ब्रैकेट करते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो यूज नहीं, इसलिए क्या है अनपैक, और ये क्या आपका है, ये पैक फॉर्म है। ओके, पाइथन विल नाउ असाइन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ टपल सी टू द वेरिएबल्स ऑफ द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज यू कैन नाउ इंडिविजुअली प्रिंट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स सम वॉट लाइक, मीन्स अगर आप किसी वैल्यू की वेरिएबल्स को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, सपोज मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर आपने वैल्यू दिया सेम प्रोसेस के थ्रू और आपने क्या प्रिंट कराना है आपको वैल्यू को, तो यहाँ पर आप W, X, Y, Z की वैल्यू आपको प्रिंट कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, W के प्लेस पर वहां पे जो अनपैकिंग फॉर्म में है वो क्या है, वन है, यहाँ पर रिप्लेस किया गया है, एन एक्स से टू किया गया, वाई के में ए किया गया है, एंड जो आपका जेड था जेड में क्या गया आपका बी एलिमेंट गया हुआ है, ठीक है, और जो कि आपको हर एक वेरिएबल्स को टी में जाकर के असाइन हो गया है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये जो टी है ये क्या किया गया है, इसमें वैल्यू असाइन की गई है टी वाले लिस्ट से इसको, इसमें इसलिए बोलता है ये अनपैक फॉर्म में होता है, ये पैक फॉर्म में की टी में आपकी वैल्यू स्टोर हो गई है जाकर के, और इसमें क्या किया, इस सब वैल्यू को आपने असाइन कर दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि कैसे हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस को अगर हम वैल्यू में वेरिएबल में असाइन करना चाहते, तो वैल्यू को हम इस प्रोसेस से हम असाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक्स है वो है डिलीटिंग टपल्स। तो स्टूडेंट्स अब जो है इस टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी फोर्थ वीडियो, उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टपल्स की लिस्ट को या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे डिलीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आप रिपीट करके देखिएगा वीडियो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक एक आपको टॉपिक्स सारी चीजें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।